हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय हिंदू निगम जैसा कि आपको पता ही है मैं अभी एम सी वर्कबुक से चैप्टर वाइज एम लेकर आ रही हूँ इससे पहले मैंने चैप्टर थ्री तक वर्कबुक से एम करवा दिए हैं साथ ही आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर फ़ोर यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स एम यूजेज ऑफ computer एम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल पर सी बी एस कंप्यूटर सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज चैप्टर्स को एक्सप्लेन किए हैं और साथ ही उसके बुक सॉल्व क्वेश्चन बच्चों को करवाए हैं अगर आप एक बार उसे देखकर उसके बाद एन सी वर्कबुक के चैप्टर्स अपने बच्चों से करवाएँगे तो उसके कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे साथ ही मैंने हर चैप्टर को एक्सप्लेन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में किया है इससे बच्चे की कॉन्सेप्ट एंड पिक्चर इमेज पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। फिर बच्चे खुद ही क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व कर पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजस ऑफ कंप्यूटर चैप्टर फोर क्वेश्चन नंबर वन कंप्यूटर्स इन स्कूल कैन बी यूज फॉर कंप्यूटर्स स्कूल में कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है ऑप्शन ए मेंटेनिंग फ़ी रिकॉर्ड्स फी रिकॉर्ड्स रखने के लिए बी रिकॉर्डिंग अटेंडेंस एंड प्रिपेयरिंग रिज़ल्ट रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए और अटेंडेंस रिकॉर्ड रखने के लिए ऑप्शन सी फाइंडिंग इंफॉर्मेशन एंड टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग किसी भी इंफॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए और टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस या इन सभी कार्यों के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस स्कूल में कंप्यूटर का इन सभी कार्यों के लिए यूज किया जाता है क्वेश्चन नंबर टू इन हॉस्पिटल्स कंप्यूटर्स आर यूज फॉर हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है ऑप्शन ए मेंटेनिंग पेशेंट रिकॉर्ड पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए ऑप्शन बी प्रिपेयरिंग डिस्चार्ज स्लिप डिस्चार्ज स्लिप बनाने के लिए सी मेंटेनिंग केस हिस्ट्री ऑफ पेशेंट पेशेंट की केस हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री इन ऑफिस कंप्यूटर्स आर यूज टू ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है ऑप्शन ए टाइप लेटर लेटर टाइप करने के लिए बी प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए ऑप्शन सी सर्च इंफॉर्मेशन किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस या इन सभी कामों के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस ऑफिस में कंप्यूटर का उपयोग इन सभी कामों के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर फोर कंप्यूटर हेल्प साइंटिस्ट मेनली इन कंप्यूटर साइंटिस्ट की मेनली हेल्प करते हैं ऑप्शन ए लॉन्चिंग रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स रॉकेट एंड सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ऑप्शन बी मेकिंग मूवी मूवीज़ बनाने के लिए ऑप्शन सी मेकिंग बिल्डिंग्स ले आउट बिल्डिंग्स के ले आउट बनाने के लिए एंड ऑप्शन डी कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड्स रखने के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सॉरी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लॉन्चिंग रॉकेट्स एंड सैटेलाइट मेनली साइंटिस्ट को कंप्यूटर हेल्प करता है रॉकेट्स एंड सैटेलाइट लॉन्च करने या बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर्स साइंटिस्ट जो है जनरली सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं ऑफ़िस या स्कूल में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जबकि साइंटिस्ट के पास या साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर फाइव इन कंप्यूटर आर क्वाइट यूज़फुल इन लाइब्रेरीज एंड फॉर प्रिपेयरिंग एग्जाम पेपर्स एंड रिपोर्ट्स इन कंप्यूटर्स आर क्वाइट यूजफुल लाइब्रेरीज कंप्यूटर्स का यूज लाइब्रेरीज में किया जाता है या फिर एग्जाम पेपर्स एंड रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में किया जाता है ये काम कहाँ किया जाता है ऑप्शन ए स्कूल में बी हॉस्पिटल्स सी पुलिस स्टेशन एंड डी रेलवेज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्कूल्स स्कूल्स में लाइब्रेरीज़ होती है एंड एग्जाम पेपर एंड रिपोर्ट्स स्कूल में बनते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्यूटर्स एट होम कैन बी यूज फॉर कंप्यूटर्स का हम घर पर यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन ए प्लानिंग मंथली बजट मंथली बजट प्रिपेयर करने के लिए बी कीपिंग लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स रखने के लिए सी अकाउंट्स ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय के अकाउंट्स बनाने के लिए एंड डी प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स बनाने के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्लानिंग मंथली बजट हम घर पर मंथली बजट बना सकते हैं जबकि अदर ये तीन काम्स घर पर नहीं होते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन अ कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर मेटेनिंग कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन ए स्टॉक ऑफ आइटम इन ए शॉप शॉप के स्टॉक आइटम बनाने के लिए बी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन ए फैक्ट्री फैक्ट्री के रॉ मटेरियल का स्टॉक बनाने के लिए सी स्टॉक ऑफ मेडिसन्स इन मेडिकल स्टोर मेडिकल स्टोर में मेडिसन्स के स्टॉक बनाने के लिए एंड डी ऑल ऑफ दिस या इन सभी कामों के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस कंप्यूटर का यूज़ हम इन सभी स्टॉक्स आइटम्स को बनाने के लिए कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एट एट शॉपिंग मॉल्स एंड स्टोर्स कंप्यूटर आर कॉमनली यूज फॉर शॉपिंग मॉल्स एंड स्टोर्स पर कॉमनली कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है ऑप्शन ए बिलिंग के लिए बी कीपिंग प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स बनाने के लिए सी कीपिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बनाने के लिए एंड डी बोथ ए एंड बी या ए एंड बी दोनों कामों के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी शॉपिंग मॉल एंड स्टोर्स पर बिलिंग एंड कीपिंग प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स दोनों बनाने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है वन एन आइटम इज़ परचेज और कम्प्यूटर इन एक्सेस टू चेक इट्स प्राइस इंफॉर्मेशन फॉर बिलिंग एंड ऑल्सो बी किप्टिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट जब हम कोई आइटम को परचेज करते हैं तो कंप्यूटर चेक करके इसकी प्राइस इंफॉर्मेशन बिलिंग में लिखता है और साथ ही स्टॉक रिकॉर्ड प्रोडक्ट के क्या है ये भी बताता है क्वेश्चन नंबर नाइन इन बिजनेस कंप्यूटर आर यूज फॉर बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ हम कर सकते हैं ऑप्शन ए प्लेइंग गेम्स बी पेंटिंग सी ड्राइंग। एंड डी मार्केटिंग करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ हम मार्केटिंग के लिए कर सकते हैं ऑप्शन डी मार्केटिंग क्वेश्चन नंबर टेन कंप्यूटर्स एट होम कैन बी यूज फॉर कंप्यूटर का हम घर में यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन ए क्लीनिंग द रूम रूम को क्लीन करने के लिए बी कुकिंग फूड फूड बनाने के लिए सी एरीगेशन एंड वाटर सप्लाई एरीगेशन एंड वाटर सप्लाई के लिए एंड डी चैटिंग विथ फ्रेंड्स फ्रेंड से चैटिंग करने के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चैटिंग विथ फ्रेंड्स कंप्यूटर से हम घर पर यूज चैटिंग विथ फ्रेंड्स कर सकते हैं कंप्यूटर कैन बी यूज टू कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कंप्यूटर का यूज़ करके हम अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से कनेक्ट हो जैसे वीडियो चैट आज के लिए इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर इट और नेक्स्ट वीडियो हमारे यूजर्स ऑफ कंप्यूटर्स पे ही पार्ट टू रहेगा जिसे आप देखना ना भूलें और साथ ही मैं आपको यह कहना चाहूँगी कि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें थैंक यू